फोर टू फाइव डेज लेफ्ट फॉर द सेल तो आप लोग पिक आउट कर सकते हो अभी भी क्योंकि ऑफर्स अभी भी रनिंग हैं तो मैंने सोचा कि अभी मैं हॉल बना देती हूँ बिकॉज आई हैव रिसिव्ड ऑल द प्रोडक्ट दट आई ऑर्डर्ड सो येस दैट इज़ वट टू डेज वीडियो इज गन बी अबाउट सो येस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वट आर आई शॉप फ्रॉम ऑन एमेजन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ आई न्यू डॉ माई चैनल टेक अवमेंट हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन नाउ विदाउट एनी फर्द ब्लाबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट इंड वीडियो तो आई शॉप फॉर अ लॉट दिस टाइम मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने मंगाए हैं बिकॉज आई वॉज़ इन नीड फॉर यू नो गुड हेयर टूल्स यू गाइज नो कि मैंने जो स्ट्रेटनर वाला वीडियो बनाया था अभी लाइक द कर्ल्स विथ स्ट्रेटनर वीडियो उस पर काफ़ी सारे कॉमेंट्स इवन टुडे आई गेट कॉमेंट्स आस्किंग फॉर स्ट्रेटनर लिंक एंड वो वाला जो स्ट्रेटनर है वो मैंने आज से सात साल पहले ख़रीदा था बैक इन माई कॉलेज डेज एंड दैट स्ट्रेटनर मॉडल इज नो लॉन्गर अवेलेबल लाइक इट इज डिसकंटिन्यूड सो ऑफकोर्स आई के नॉट गिव यू दिस स्ट्रेटनर लिंक एंड ऑल्सो क्योंकि उसको सात साल हो चुके थे एंड इट वॉज नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रेटनर बैक इन द डे तो अभी उसका टाइम ओवर होने वाला है बिकॉज इट हैज स्टार्टेड यू नो टगिंग इन माई हेयर एंड अभी उसके रिजल्ट उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं मुझे मिल रहे थे सो आई डिसाइडेड ऑन गेटिंग अ न्यू स्ट्रेटनर आल्सो सो यस आई शॉप फॉर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अ लिटिल बिट आइटम्स हियर एंड देयर सो जिस प्राइस में मैंने ये चीज़ें खरीदी है वो मैं स्क्रीन पर लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चेकआउट करनी है सो यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट तो अभी क्योंकि स्ट्रेटनर की बात कर ही लिया है सो दिस इज द स्ट्रेटनर दैट आई गॉट एंड ओ माई गॉड आई लव द पैकेजिंग मैंने वापस से वेगा का ही स्ट्रेटनर मंगाया है बिकॉज आई

भी फीचर है एंड इट इज नॉट द थेस्ट एंड मतलब एकदम परफेक्ट साइज है बिकॉज आई लाइक टू डू सॉफ्ट कर्ल विद माई स्ट्रेटनर ऑल्सो तो जो ज्यादा थिक वाले होते हैं ना उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता वैन यूर कॉलिंग योर हेयर सो आई गॉट दिस वन एंड मैं इसको काफी बार यूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी लाइक इट आई थिंक थ्राइस ये आई है लविंग इट सो या डेफिनेटली यू नो यू कैन चेक इट आउट एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक अपडेटेड स्ट्रेटनर वीडियो बनाऊँ एंड यू वॉन्ट मी टू रिव्यू इट नीचे मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट है टूल दैर इज अनादर वन अगेन फ्रॉम वेगा दैट आई गॉट दिस इज फ्रॉम द वेगा प्रोफेशनल्स रेंज दिस इज द प्रो टाइटेनियम माइक्रो क्रिम्प हेयर क्रिम्पर नाउ आई डिड नॉट ओन एनी हेयर क्रिम्पर टिल नाउ आई वॉन्टेड वन सो आई गॉट दिस वन एंड इसका आप देख सकते हो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है तो इसकी वजह से काफ़ी सारे बाल अप एक साथ क्रिम कर सकते हो आई हैवेंट यूज इट ऑन माई फुल हेयर येट आई ट्राइड इट आउट वंस बट आई एम स्टिल यू नो गेट टू यूज़ इट मोर ऑफन ताकि मैं इसको रिव्यू कर पाऊँ आप लोगों के लिए सो येस दिस इज़ द हेयर क्रिम्पर दैट आई गॉट एंड न देयर टूल दैट आई गॉट एंड आई वॉज द मोस्ट एक्साइटेड फॉर दिस वन इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज इट वॉज एनी वेज टेकिंग अप लॉड ऑफ स्पेस तो ये वेगा का प्रो कर्ल्ड समथिंग ऐसा कुछ है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट एंड ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है नाउ आई लाइक टू कॉल माई हेयर अल लॉट एंड जो डिफरेंट डिफरेंट हेयर कर्ल्स होते हैं ना लाइक द लूज वेव्स द टाइट कॉल्स आई जस्ट लव दैम एंड आई जस्ट हैड वन कर्लर जिसका बैरल काफ़ी ज़्यादा पतला है तो आई कैन जस्ट गेट यू नो टाइट कर्ल्स विद दिस तो इस वाले में क्या फ़ायदा है कि आई गेट दिस बॉडी दिस इज़ द कर्लर का बॉडी एंड देर इज़ अ लॉक अंड लॉक फीचर एंड विद दिस यू गेट फोर डिफरेंट बैरल्स सो फर्स्ट यू गेट दिस थर्टी एम एम बैरल देन यू गेट दिस जो उससे थोड़ा सा पतला है देन यू गेट दिस ताकि आप एकदम टाइट कर्ल्स कर सको यू ऑल्सो गेट दिस कॉर्निकल बैरल सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट हेयर स्टाइल्स विद दिस नाउ इसके ऑनलाइन एज सच कोई बहुत ज़्यादा रिव्यूज थे नहीं सो आई वॉज स्टिल यू नो क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट गेटिंग इट बट द कॉन्सेप्ट इट सेल्फ रियली इंटरेग मी तो मैंने सोचा कि खरीद के एक बार ट्राई कर ही लेते हैं ओ येस एंड ऑल्सो विद द कर्लर ये एक uh, ग्लव आता है इट इज आई डोंट नो इफ़ इट इज़ एनी थिंग डिफरेंट बट मुझे तो एकदम जो ना सर्दी में पहनते हैं ना वो वाला ही ग्लव लग रहा है बट अपेरेंटली इट विल प्रोटेक्ट हैंड वाइल यू कॉल क्योंकि इसके जो बारल एवेन यू कॉल ना तो आपका हाथ जल जाता है काफ़ी बार सो या इट वॉज नेक्स्ट हेयर टूल एक्सेसरी आई घॉट इज दीज रोलर नाउ इसमें आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पीसेस ऑफ ईच यू गेट ये सबसे बड़ा वाला साइज देन यू गेट दिस मीडियम साइज एंड द स्मॉलेस्ट साइज तो आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने बालों को ब्लो ब्लो ड्राई करके आई यूज दीज रोलर एंड द वॉल दट हाइव कॉटन इज इन सेन द एंड रिजल्ट इज एब्सोल्यूटली गॉडज तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ऑल दो आई स्टिल हैव टू यूज इट अलॉट मोर टाइम्स टू गेट देंग ऑफ इट बिकॉज आई नो कि अभी जो मैंने किया था इट वॉज इन द्रिटियसाइट सो आई स्टिल नीड टू यू नो यूज इट अलॉट मोर एंड इसके साथ uh, वो जो स्टील वाली क्लिप्स होती है ना दीज वंस यू गेट ट्वेल्व ऑफ दीज टू ताकि आप जब रोलर्स ऊपर अपने बालों में होल्ड करने के लिए एक क्लिप्स यूज़ कर सकते हो देन आई गॉट अ बुक दिस बुक फ्राम टैम कॉर विच इज़ कॉल्ड बाई ऑसे ऑफ़ द ड फ्लॉर्स ना आई हैव बिन फॉलोइंग टैम कॉर सिंस अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम एंड मैंने इनकी बुक रिलीज होने से पहले ही प्री बुक कर दी थी एंड द डेट लॉन्च आई गॉट इट देन एंड देन आई स्टार्टड रीडिंग इट मैंने इसका एक चैप्टर पढ़ा एंड उसके बाद आई जस्ट गॉट इन्वॉल्व विद द लॉर्ड ऑफ अदर थिंग्स एंड आई ज रीडिंग इट तो आई नीड टू रिज्यूम इट अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट अदर कॉन्सेप्ट इट सेल्फ इज रियली गुड बिकॉज हर यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो ऑल अबाउट सेल्फ लव सेल्फ केयर एंड ऑल ऑफ दैट जज एंड द बुक इज लाइक द सेल्फ लव गाइड टू ग्रोइंग हीलिंग एंड लर्निंग टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट द आइडिया इज रियली यू नो समथिंग दैट इंटरेस्ट्स मी बट आई विल लेट यू गाईज नो कि ये बुक मुझे कैसी लगी वंस आई एंड रीडिंग इट आप अनादर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये है डिजिटेक की पोर्टेबल मिनी आठ जी बी लाइट तो ये इस तरीके की आती है इसके साथ आपको इसका चार्जर मिलता है इसकी लाइट काफी ज्यादा अच्छी है इसके आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो यू कैन मेक इट वार्म लाइट कूल लाइट न्यूट्रल वाइट लाइट देन यू कैन ऑल्सो गेट लाइक डिफरेंट कलर्स की लाइट सो यू गेट दीज इफेक्ट अभी मेरे इसकी बैटरी बहुत लो चल रही है बिकॉज आई लाइक टू यूज इट वेन एवर आई एम शूटिंग आउटडोर या फिर कहीं और अगर गयो एंड यू वॉन्ट टू व्लॉग इन लो लाइट तब भी ये लाइट काफ़ी ज़्यादा काम आती है बट इसके साथ वो क्लिप या होल्डर ट्राईपॉड कुछ भी इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा लास्ट क्ट्रॉनिक आइटम दैट आई गॉट इज दीज पैनल लाइट्स अभी मैं खोल के दिखा देती हूँ तो ये इस साइज़ की पैनल लाइट है ये बहुत छोटी वाली है दिस इज जस्ट इलेवन इंच ड नॉट हैव स्पेस एज यू गाइज नो आई डो नॉट हैव स्पेस एंड एंड कितने टाइम्स आई वॉज वॉन्टिंग टू अपग्रेड फ्रॉम रिंग लाइट टू पैनल लाइट बिकॉज दे यू नो गिव यू अ मोर सॉफ्टर लाइट रिंग लाइट काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है एंड आई वॉज जस्ट नॉट लाइकिंग द एंटायर लाइटिंग सिचुएशन यहाँ पे सो so इसी लिए मैंने ये दो पैनल लाइट्स मंगाई हैं सो आई गॉट द सेम टू एंड इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं यू गेट वन सेपरेट जस्ट द लाइट एंड वन यू गेट विद ट्राईपॉड जो बड़ा वाला स्टैंड आता है बट आई डि नॉट गेट द ट्राई पॉड बिकॉज अगेन एज ए सैड आई डो नॉट हैव इनअ स्पेस सो इसके साथ आपको ये छोटा वाला ट्राईपॉड मिलता है जिसको कि आप किसी टेबल पर या नीचे रख सकते हो सो इट इज़ यू नो अ प्रटी गुड क्वालिटी इस लाइट को यूज़ करते हुए मुझे हो गया थोड़ा सा टाइम एंड अभी रिसेंट में आपने मेरी जितनी भी वीडियोज़ देखी हुई हैं जहाँ पर मैंने अपना लाइटिंग सेटअप चेंज किया है वहाँ पर मैं यही लाइट्स यूज़ कर रही हूँ तो यही सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी जो मैंने मंगाई थी देन आई गॉट दिस टू ऑर्गेनाइजर बॉक्स मतलब ये सेम ही है मैंने बस दो मंगा लिए थे एक मे हैव स्टोर्ड माई डिस्पोजेबल्स एंड एक मे हेव स्टोर्ड माई हेयर लाइक टाइज यू पेंस एंड बॉप पेंस एंड ऑल दैट एंड ऑल्सो फ्राम एमेजोन आई गॉट दिस ये है जो ईयर लोब के पैचेज आते हैं ना वैन यू वेयरिंग हैवी एक्सेसरीज तो आप लगा सकते हो मैंने इसका मतलब पूरा ऐसा पैक आया था पैक ऑफ थर्टी बट मैंने इसको ऐसे कट आउट कर लिया है सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक यू जैव टू पेस्ट इड ऑन योर ईयर एंड वेयर एनी हैवी ईयर रिंग एंड यू विल नॉट फील द वेट ऑफ द इयरिंग यू नो पुलिंग ऑन योर ईयरस तो इट इज़ रियली गुड मैं इसे पास में भी यूज़ कर चुकी हूँ आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टॉक अप ऑन इट सो या दीज आर द बॉक्सेज काफ़ी अच्छा है दिज आर नॉट द वेरी पतला फ्लिमजी वाला प्लास्टिक आई थिंक इट इज़ अक्रेलिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट जो भी है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसमें अंडरग्राउंड काफ़ी सारे आपको ऐसे सेक्शंस मिलते हैं जिनको कि आप ऐसे रिमूव करके दूसरी जगह पे भी लगा सकते हो तो आप अपने हिसाब से इनको डिवाइड कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने इसे फोर के सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है बट यहाँ पे मैंने इसे एट के सेक्शन में डिवाइड कर रखा है एज यू कैन सी तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनट हो जाता है आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो यू कैन स्टोर योर जूलरी यू कैन स्टोर योर हेयर एक्सेसरीज़ लाइक आई हैव और यू कैन स्टोर एनी थिंग फॉर दैट मैटर नेक्स्ट आई गॉट दिस दिस इज़ द मार्स का लिप ग्लॉस मुझे इसका नाम याद नहीं है बट दिस इज़ अ ड्यू फॉर मेबलिन की वाइनल इंक एंड आई गॉट इट इन द शेड मस्तानी अभी मैं इस कुछ सोच करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू कम्पेयर इट विद द वाइनल इंक एंड लेट यू गाइज नो कि क्या ये वाकई में एक ड्यूब है कि नहीं बिकॉज मे बी लीन वाइनल इंक इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट मतलब ऐसा कुछ अभी तक मार्केट में नहीं था इट इज़ अ लिप ग्लॉज दैट स्टेज द एंटायर डे एंड दिस इज़ सपोज टू बी अ ड्यूब फॉर दैट एंड इट रिटेल्स फॉर जस्ट थ्री हंड्रेड रुपीज़ एंड ऑफर्स में तो आपको और भी कम मिल जाएगा सो इफ़ इट एक्चुअली ड्यूब्स द वाइनल इंक यू नो यू इन फॉर यू ट्रीट बट यू नीड टू वेट फॉर दैट वीडियो क्योंकि मैं अभी इसको टेस्ट आउट कर ही रही हूँ इन ऑल डिफरेंट सिचुएशंस टू सी इफ इट एक्चुअली ड्यूब द वाइनल इंक और नॉट द लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस बैग नाउ ये वाला जो बैग है ना ये कॉस्ट लाइफ का है इसके मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे एड्स आ रहे थे बट अमेजोन पर आई गॉट अ बेटर डील सो आई गॉट इट फ्रॉम देयर सो इसमें एक आपका मेन कंपार्टमेंट आता है विच ओपन अप लाइक दिस एंड इसके अंदर से सेक्शंस हैं अगेन आप इसको किसी भी तरीके से सेक्शन कर सकते हो न आई हैव जस्ट सेक्शन डट इंटू सिक्स एंड मैंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज अपने कैटेगराइज कर रखे हैं सो so मैंने इसको मेनली ब्रशेज के ही परपज से लिया था बिकॉज स्टिल नाउ आई वटोरिंग माई ब्रशेज इन डिफरेंट डिफरेंट पाउचे एंड नाव यू कैन सी दट आई हैव लॉर्ड ऑफ ब्रशेज द आई वॉन्टेड अ डेडिकेटेड पाउच और कंटेनर जिसमें मैं ब्रशेज रख पाऊँ और जिसे मैं बंद कर पाऊँ ताकि मेरे ब्रशेज में धूल ना लगे बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लाइक फॉर थ्री ईयर्स माई ब्रशेज वर्जेस ऑल ओवर द प्लेस नाउ दे फाइनली हैव अ होम सो दैट इज गुड एंड इसमें आगे भी एक कंपार्टमेंट आता है जहाँ पर मैं अपने स्पंजेस रखती हूँ लाइक द पिज्ज़ा पफ एंड पाउडर पफ उसके अलावा इसमें साइड में भी दोनों साइड में ऐसे आपको पॉकेट्स मिलते हैं जहाँ पे आप ब्लेंडर रख सकते हो कुछ भी रख सकते हो बेसिकली सो इट इज़ मैंट फॉर मेकअप ब्रशेज आई गेस मैंने तो उसी पर्पज़ से मंगाया है बट इफ़ यू आर लाइक नॉट अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड यू डो नाट है ल लॉर्ड ऑफ मेकअप आप पे बस अपना बेसिक एवरी डे मेकअप है तो आप इसको एक मेकअप बैक uh, की तरह भी यूज़ कर सकते हो इट इज़ वेरी वेरी स्टडी एंड यर ट्रैवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सो आई रियली लाइक दिस बैग्स क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है आई वुड से बिकॉज यू गेट मेकअप स्टोरेज बैग्स यू नो अंडर फाइव हंड्रेड अंडर थाउजेंड ऑल्सो बट इसके जो क्वालिटी है कंपार्टमेंट्स है दिस बैग विल लास्ट अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई विल से दैट इफ यू हैव द बजट इफ़ यो बजट अलाउज़ यू डेफिनेटली गेट दिस स्टोरेज बॉक्स बिकॉज बॉक्स बैग वॉट एव यू वॉन्ट टू से बिकॉज इट इज़ रियली रियली गुड सो यज वेरी मच ऑल थिंग्स दैट आई गॉट फ्राम अमेजो मैंने और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मंगाई थी लाइक आई गॉट जूलरी आई गॉट सम हेयर एक्सेसरीज एंड ऑल ऑल्सो बट वो मैं अभी इंक्लूड नहीं करी वीडियो में बिकॉज आई डोंट नो वेर आई हेव कैप्टू बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सामान मेरा शूट में इधर उधर हो चुका है सो दीज वर द मेन थिंग्स जिसकी वजह से इस बार मैंने अमेजोन पर शॉप किया था एंड मैं सारी ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अभी भी सेल आई थिंक चार या पाँच दिन और चलने वाली है सो या इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक इट आउट एंड अगर आपको इनमें से कोई चीज़ खरीदनी है तो एज़ आई सेड लिंक आपको नीचे डिस्क्रो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर आपको uh, और कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट आई होप टुडेज वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आई शेल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय